उसको एक जगह पर लिख लो या फिर मन में याद रख लो, इतना मेमोरी तो होना ही चाहिए। नहीं, अब क्या करना है, अब एक बार दोबारा उस पैराग्राफ को पढ़ो और जो वर्ड्स इसके अंदर में हैं, जितने भी हैं, इन सभी में से मतलब अंडरलाइन करते जाओ, जो भी वर्ड तुम्हारे पैराग्राफ में सब लोगों के पैराग्राफ में मैच करता है उस पैराग्राफ को, और उसके बाद उन वर्ड्स को काउंट करके अलग लिख लो। पहले तो अंडरलाइन कर लेंगे जो सारे वर्ड्स मैच करते हैं इसमें से तुम्हारे पैराग्राफ में, और उनको फिर हम काउंट कर लेंगे। अब अपना रेशियो खुद ब खुद निकाल लीजिए। सो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को आज मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, परिचय करा रहा हूं स्ट्रक्चरल वर्ड से, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए, इन शब्दों का ना केवल अर्थ बल्कि इसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर ये यूज किए जाते हैं, किस कंडीशंस में यूज किए जाते हैं, क्या मतलब किस तरीके क्या है, मतलब टोटल ओवर एंड ऑल जितना भी ऊपर से लेकर नीचे तक है वो सब इनके मीनिंग में ही छुपा हुआ है, इनके मतलब में ही छुपा हुआ है। इनका मतलब एक बार देख लेते हैं, एक कहानी में बनाने जा रहा हूं, देखते हैं कितना सफल होते हैं। मेरा इरादा है कि मैं एक स्टोरी शुरू करता हूं जो ए से होगा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वर्ड देन फॉलोज ऑन अबव, जैसे शुरू करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखते हैं कितना एक स्टोरी के साथ आगे बढ़ पाते हैं। अगर नहीं बढ़ पाएंगे तो हम स्टोरी चेंज भी कर सकते हैं। आइडिया यह है कि हमें इन सभी वर्ड्स के साथ एक सेंटेंस पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक से ज्यादा सेंटेंस मैं यूज करूं। ज्यादा टाइम लग सकता है इस क्लास में, लेकिन ये क्लास एकदम बुनियादी बात के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इस क्लास के माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जो लोग पहले देख लेते हैं कि हम ये कर क्या रहे हैं, उसके बाद से बात करते हैं, पर पूरा देखने का है। इसके बीच में अगर छोड़ा तो समझ लीजिए कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला। सो एकदम इन डेप्थ नॉलेज के साथ हम लोग ये चीज शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक है। आप चाहें तो एक पेन एंड कॉपी ले लीजिए और उस पर साथ में मेरे जो मैं लिखता बोलता जाता हूं वो शायद आप लिखते भी चलेंगे तो यार बहुत अच्छा रहेगा, एक लाइव क्लास हो जाएगी, मस्त मजा आ जाएगा। सो लेट्स चेक दिस। सो देयर वाज अ विलेज, कहीं पर एक गांव था। द विलेज वाज नहीं, यहां पर सेंटेंस हमें स्टोरी चेंज करनी पड़ेगी। व्हाट अबाउट यू, आप कौन हैं, मतलब आपके बारे में हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सो व्हाट शुड आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, आप अपने बारे में कुछ बताओ, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट कैन आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ। सो चेक दिस आउट। सो अबव देयर इज अ ओके लेट्स चेक दिस, द क्लाउड्स आर मूविंग अबव माई हेड। देखिए जरा, अब ये काफी थोड़ा दूर हो जाता है, इसके लिए हम एक और वर्ड आता है ऊपर के लिए जिसको हम ओवर, जो हम आगे मार्क कर लेते हैं। देख लीजिए ओवर, हियर इट इज, इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। जब हम अबव के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, जब हम वहां पर जाएंगे तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। सो आफ्टर के बाद, संडे कम्स आफ्टर मंडे। सो देख लीजिए, माय रोल नंबर इज 13 एंड इट कम्स आफ्टर रोल नंबर 12। सो आफ्टर के बाद, अगेन स्टोरी बन नहीं पा रही है, चलिए फिर से ट्राई करते हैं। माय नेम वाज कॉल्ड अगेन एंड अगेन इन द क्लास, मेरा नाम बार बार क्लास में बुलाया गया। आई वाज कॉल्ड अगेन एंड अगेन टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, हियर वी गो अगेन। देखो चलो एक बार फिर से करते हैं। आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मैंने तुम्हें बात कितनी बार बताई, फिर दोबारा से मुझको अपनी बात को दोहराना पड़ रहा है। दैट्स अगेन, अगेंस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। सो देयर वाज अगेन बिटवीन टू टीम्स एंड ईच टीम प्लेड वेल अगेंस्ट ईच अदर। सो कहीं पर एक मैच था दो टीम्स के बीच में और दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ अच्छा खेल दिखाया। सो इसका एक और मतलब होता है, आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, जैसे ये वॉल है और मैं यहां पर ऐसे इस पर झुका हूं, सो आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल एक के साथ, मतलब दैट्स हाउ इट इज। इसको समझने की जरूरत है, इसको इसका मीनिंग भी जरूरी है और इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है यह तो बहुत ही जरूरी है। सो अगो, अ लॉन्ग लॉन्ग अगो, अब यहां से हम स्टोरी शुरू कर सकते हैं। सी दिस, a long long ago there was a king, the king was
ओके सो यहाँ पर स्टोरी फिर दोबारा ब्रेक करते हैं, डोंट मूव अहेड ऑफ मी, सो मेरे आगे आगे मत चलो, डोंट कम अहेड ऑफ मी, मेरे आगे मत आओ. सो देयर इज अ, जैसे जब टाइटैनिक फिल्म में एक जगह पर डायलॉग है कि आइसबर्ग राइट अहेड, जब जहाज टकराने वाला होता है तो कहता है आइसबर्ग राइट अहेड, देखो पानी का जो जिसको बर्फ जो तैरता हो, तैरती बर्फ होती है उस, वो ठीक सामने में है, उससे टकराओ, उससे टकराने के लिए अलार्म देता है ऐसे, आइसबर्ग राइट अहेड. देखो फिर ऑल ऑफ द अबव, हम लोग अक्सर ही अपने आंसर में देखते हैं ऊपर में से सभी, ऑल मतलब सभी, सो ऑल ऑफ यू कम हियर, सभी तुम सारे के सारे यहां पर आओ. ऑलमोस्ट आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है. अलोंग, अलोंग मतलब होता है के साथ, साथ में. आई वॉन्ट टू गो अलोंग विद माई फ्रेंड्स, आई यूजली गो आउट विद माई फ्रेंड्स, बट आई वॉन्ट टू गो अलोंग विद माई बेस्ट फ्रेंड. मैं अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ, लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाना मुझे मतलब भी, मैं बाहर जाता हूँ, आई लाइक गोइंग अलोंग विद माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ बेस्ट फ्रेंड के साथ जाना पसंद करता हूँ. सो ऑलरेडी पहले से ही आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द होमवर्क. राहुल हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, राहुल क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? यस सर आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, हाँ सर मैंने पहले ही इसका मतलब हुआ पहले ही मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. ऑल्सो भी, ओके सो एक ये ऑल्सो, इसको हम लोग ऐसे सर्कल कर लेते हैं, और एक यहां पर टू है, इसको भी हम लोग सर्कल कर लेते हैं. देखो अभी हमारे पास दो चीजें, एक दो स्टार्स हैं, इन सबको मिटा देते हैं यार. सो हमारे पास दो स्टार्स हैं और दो सर्कल्स हैं, मतलब इन दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इनका यूज हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में करते हैं. जहां पर ऑल्सो यूज होगा, खैर ये टेक्निकल बातें छोड़ो, हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के हिसाब से देखते जाते हैं. ऑल्दो हालांकि, although I have completed my homework, but I could not solve two questions. हालांकि मैंने अपना homework complete कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं दो सवाल नहीं हल कर पाया. Although I went to the cinema, but I didn't get the tickets. हालांकि मैं cinema hall गया, लेकिन मुझे tickets नहीं मिले. So check this आगे. I am going to use, मैं ऐसी ऐसी चीजों का यूज करूंगा जिससे आप लोगों को कुछ चीजों का बेसिक यूज कहां किया जाता है, कैसे कैसे इन सभी वर्ड्स का यूज कहां कहां किया जाता है, ये आप अपनी कॉपीज सॉरी आप अपने टेक्स्ट बुक्स में भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. ऑलवेज हमेशा, आई ऑलवेज केम लास्ट इन माई क्लास. सो आई, कोई कहता है कि आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, बट आई वुड से आई ऑलवेज केम लास्ट इन माई क्लास. सो एम हूं, इसका सिर्फ यूज सिर्फ आई के साथ यूज होता है. आई एम अ गुड मैन, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर द फ्यूचर. सो दैट्स हाउ इट इज, देख रहे हैं आप लोग, एम आर इज वर, ये सब चीजें हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब को हम सर्कल करके बाहर निकाल देते हैं, फाइव बना देते हैं. सो अमोंग के बीच, There was a black hat man among the white hat men. So, देखो मैंने दो चीजों का यूज किया है. There was a black hat man among the white hat men. So, एक ऐसा आदमी था जिसने ब्लैक कलर का हैट पहना हुआ था, और वो अकेला उस भीड़ में था जिस भीड़ में अनेकों व्हाइट हैट पहने हुए लोग थे. सो अमोंग का मतलब सबके बीचों बीच. एंड देखो, एंड भी जैसे ए है वैसे ही एन है, ये आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है. इसका मतलब है कि ए का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, अब ए और एन के बारे में बात कर सकते हैं. ए का प्रयोग हम लोग एक, एन का मतलब एक ही होता है, लेकिन ए का प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाली ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं उनके, जो कॉमन नाउन होते हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं. सो सिमिलरली एन, इसके लिए हम वॉवल ए आई ओ यू, ये तो सबको पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है
उन लोगों के लिए भी यह है कि अगर आप, ये पहली सीढ़ी है, सबसे पहली सीढ़ी इसमें, मतलब चार सीढ़ियां मैं बता देता हूं। पहली सीढ़ी जो मैंने पहले, इसके पहले वाली जो क्लास है, जो क्लास वन है, हाउ टू लर्न इंग्लिश, उसमें मैंने रूटीन के बारे में बताया, उसमें मैंने इसका जिक्र किया हुआ है कि हाउ स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओन थिंग्स, हमारी अंग्रेजी के लिए हम क्या करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को और खूबसूरत बना सकते हैं लिखने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए। दैट्स हाउ इट इज। आगे बढ़ते हैं। सो एंड और सिंपल, आई एम ईटिंग राइस एंड दाल, मैं दाल और चावल खा रहा हूं, उसको मैं और तरीके के साथ भी बोल सकता हूं। लेकिन राम एंड श्याम, दे आर बोथ गुड फ्रेंड्स, दे बोथ आर गुड फ्रेंड्स। सो चेक दिस आउट, इसको भी मिटा देते हैं। आर इज का प्लूरल आर है, इनका कोई फॉर, अच्छा एक चीज मैं बताना शायद शुरू में रह गया मेरे से, ये वो वर्ड्स हैं जिनका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता है, इनका कोई दूसरा फॉर्म नहीं होता है, ये जैसे हैं वैसे ही हर सेंटेंस में पाए जाते हैं, हर पाए जाते हैं, लाइक जंगल नहीं है यार। सो और एक्चुअली देखा जाए तो जंगल ही है, जंगल में खूब सारे पेड़ हैं, पेड़ मतलब वर्ब एंड नाउन, लेकिन उनके बीच में जो जानवर पाए जाते हैं वो यही है, दीज आर दोज एनिमल्स। सो दीज आर दोज एनिमल्स, देयर यू गो, दीज आर दोज एनिमल्स aren't, ये इसका ठीक उल्टा है, नेगेटिव है, यू aren't, these aren't those animals, ये वो जानवर नहीं है। आगे देखें, सो अराउंड, अराउंड के लिए हम कह सकते हैं चारों तरफ। सो देर इज फॉरेस्ट अराउंड माई विलेज इज सराउंडेड, सो सराउंडेड इज अ वर्ब, हाउएवर अराउंड इज चारों तरफ, सराउंडेड का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, अराउंड मतलब चारों ओर, एक और नया वर्ड, लेकिन अराउंड मतलब देर इज अ फेंस अराउंड माय हाउस, मेरे घर के चारों तरफ एक फेंस लगा हुआ है। सो एज इट इज, आपको कैसा लगा ये, हाँ एज इट इज, जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही, इसके लिए मैं एज का प्रयोग करता हूं। सो एट पर, द ट्रेन इज एट द स्टेशन, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, आई एम गोइंग एट द प्लेटफॉर्म, at the train is in the station, sorry, the train is in the station, however it is at the platform number 9। अगर आप इतना specific बोलेंगे, इतना मतलब सटीक जानकारी अगर आप देना चाहें तो आप ऐसे ही कहेंगे। So at, away, दूर, move away from me, दूर हो जाओ मुझसे, the train is moving away from the platform, train platform से दूर जा रही है। So backward, पीछे की ओर, the train is moving, वो उसके लिए अगला वाला है, द ट्रेन इज मूविंग बैकवर्ड्स, ये ट्रेन पीछे की ओर जा रही है, बैकवर्ड्स मतलब मूवमेंट के लिए, बैकवर्ड मतलब पीछे, लुक बैकवर्ड, पीछे देखो, लुक बैक, पीछे देखो, सो टर्न बैकवर्ड, पीछे की ओर घूमो। सो लेकिन बैकवर्ड्स का मतलब मूवमेंट, और बैकवर्ड मतलब सिर्फ देखना के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो बी होना, I will be a superstar someday, बहुत लोगों के मन में ख्वाब होता है, so I will be a superstar someday, मतलब ये घोषणा कर रहा है। so because, क्योंकि the sun, the seasons are formed because the sun moves, so because मतलब क्योंकि, क्योंकि का मतलब होता है मैं, आप किसी चीज के पीछे कोई कारण दे रहे हैं, आप कारण क्या दे रहे हैं, I couldn't do this because the conditions were not good. मैं यह इसलिए नहीं कर सका क्योंकि परिस्थितियां शायद उतनी अच्छी नहीं थी। Because का before, से पहले, it came before you did, यह तुमसे पहले आ गया है। अगर मैं कहीं से आया और मेरा एक कुत्ता है जो बाहर से घूम करके मेरे से पहले ही आ गया, so it came before you did, so someone came before you, कोई आपसे पहले आ चुका है। so behind के पीछे, look there is a mirror behind you, देखो तुम्हारे ठीक पीछे आईना है। so behind भी, below, children below 6 years of age are not allowed to travel alone, जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं उन्हें अकेले travel करने की इजाजत नहीं है। so below मतलब के ठीक उस एक level के ठीक नीचे, so beneath के नीचे दबा हुआ,
सो देयर इज अ ट्रेजर बीनीथ दिस फ्लोर, इस फ्लोर के नीचे खजाना है. सो आगे देखें, बीनीथ हो गया, बिसाइड के बगल में, देयर इज अ ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड बिसाइड यू. सो मेरे बगल ठीक बगल में एक ब्लैक बोर्ड है. बिसाइड के बाद बिसाइड्स भी एक होता है, कैसे छूटा, बिसाइड बिसाइड के बाद एक बिसाइड्स होता है. बिसाइड्स का मतलब के अलावा, मतलब कि इसके इसको छोड़ करके, जैसे बिसाइड्स दिस यू हैव अ गुड पॉइंट, इस बात को छोड़ करके, बिसाइड्स दिस पॉइंट यू हैव अ गुड प्रेजेंटेशन, इस पॉइंट को छोड़कर आपका सारा का सारा प्रेजेंटेशन अच्छा गया है. He has all the good traits besides one. एक को छोड़कर उसके सारे के सारे, उसमें सारे सिर्फ गुण ही गुण है. So ये besides होता है. आगे देखें, between के बीच में, राम is sitting between श्याम and गौरव. राम गौरव और श्याम के बीच में बैठा हुआ है, ऐसे ही सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं. लेकिन अगर हम इसको अगले अपने रियल लाइफ में यूज करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि there is a compartment between two other compartments. There is a bird sitting along between a tree and the wire. So दो चीजों के बीच में यदि कोई चीज हो तो आप उसके लिए between का प्रयोग कर सकते हैं. Both, दोनों, both मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, hey you, both of you. आप जैसे हमारे टीचर होते थे वो ऐसे बोलते थे. But both, जैसे हम कह सकते हैं कि oxygen and hydrogen both are needed for making water. So hydrogen और water दोनों की जरूरत पड़ती है यदि हमें पानी बनाना है तो. So आगे देखें, by, say, I travel by bus. मैं बस से चलता हूं. But लेकिन, but बस से बहुत टाइम लगता है. It takes a lot of time by traveling by bus. So can you do this? ये आपकी क्षमता पर सवाल है. Can you do this? ये मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, क्या आप ये कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, कर सकते हैं भाई. मतलब अच्छा, ये एक चीज में और, चलो एक और अच्छा याद आया. Another star इस तरफ और can, और यहां पर हम ढूंढ रहे हैं may. So may should be may, there is may, may is right here. Can and may. May is for request and can is for order. So, can I come in, sir? कोई मेरे से कहे, मैं कहूँ, sir, you, मैं उसका जवाब मैं इस तरीके से दूंगा, you may come but you cannot. मतलब यार तुम मेरे से पूछ नहीं रहे हो, तुम तो उसका बता रहे हो कि मैं आ रहा हूँ. Can I can come in, sir? करना है जो करना है, जो उखाड़ना उखाड़ लो, no problem. So, but that doesn't happen. आप किसी से अगर आप respect देते हैं तो आप उनसे पूछ करके ही आप कोई काम करते हैं. So this is एक एटिकेट होता है, बात करने का तरीका भी होता है. मे आई पुट अक्रॉस अ पॉइंट, तो कैन आई हेल्प यू. आप किसी की मदद करना चाहते हैं और आप ये नहीं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो इंसान आपको मना करेगा. जब मना करेगा तो भी आप करेंगे. कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. सो कैन नॉट, नो यू कैन नॉट हेल्प मी, यू आर यूजलेस, यू आर स्टूपिड, यू कैन, यू डेफिनेटली कैन नॉट हेल्प यू. So, give me a reason why I can't help you. Cause you are not wearing your cap. आप मेरी मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप कैप नहीं पहन रहे. अगर कोई पुलिस वाला आपसे आकर के कहता है तो कि how can I help you sir? आप कह सकते हैं कि अगर उसने टोपी नहीं पहनी हुई है तो आप कह सकते हैं कि you cannot help me because you have not cause. कारण, the reason is, the main cause is that you are not wearing your hat. Good. Sir, but I'm really very sorry, sir. How could I help you? मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, I could have done this. मैं इसको कर सकता था. So how could I do this? मैं कैसे कर सकता था? So I couldn't do this. मैं यह नहीं कर सकता था. Anybody couldn't do this. कोई भी इंसान यह नहीं कर सकता था. Despite putting hard work, he could not succeed. बहुत मेहनत करने के बाद भी, के बावजूद वह यह काम वह सफल नहीं हो पाया. Despite did, why did you do this? तूने ऐसा क्यों किया? Why did I go there? मैं वहां क्यों गया? Didn't, I didn't go there. मैं वहां नहीं गया. I didn't go there because I couldn't find it. I couldn't find
I couldn't find it a good place. So why couldn't I, why didn't I go there? Because I couldn't find it a good place. Do. Okay, next one. Do. इसका प्रयोग हम लोग कई बार करते हैं. I do not know this. Do you have a book? How do you do? Do you seek my help? So आप देख सकते हैं इसका प्रयोग हम लोग किसी एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी कर सकते हैं. I do have a car. Do you have a car? इसका जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है. I have a car. लेकिन अगर इसको थोड़ा और गंभीरता से, अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप, मेरे गाड़ी नहीं है मेरे पास. I do have a car. क्या बात करते हो तुम, मतलब ऐसा सवाल कैसे पूछ लिया तुमने. So I do have a car. इतने सारे यूज इसके कर सकते हैं. Does, do का सिमिलर फॉर्म है. He does not do this. Remember, एक हम लोगों ने फर्स्ट क्लास के अंदर में सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब के वर्ब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में बात की थी. सिमिलरली प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के बारे में भी हम लोग यही बात कहते हैं. सो डज, ही डज, इट डज, राम डज, श्याम डज, मतलब ये चार जो है अगर मैं कहूं तो प्रोनाउन के हिसाब से जो हम यहां पर भी देखेंगे आप लोग. सबसे पहले धीरे धीरे जैसे हमारे पास, अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन जैसे हमारे पास कोई प्रोनाउन आएगा मैं उसको एक अलग तरीके से मार्क करूंगा. सो डज, डज मतलब ही डज नॉट डू दिस, ही डिड नॉट डू दिस, ही डजंट नो दिस, वह नहीं जानता. ही डजंट कम टू क्लास, वह क्लास में नहीं आता. सो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ये. डोंट, ये डू का प्लूरल फॉर्म, सॉरी डू का, मेरा दिमाग वापस, चलो कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक बार फिर से. डू का नेगेटिव फॉर्म है ये. डोंट डू दिस, यू डोंट मीन व्हाट यू सेड, तुमने जो कहा तुम उसका तुम्हारे मन में उसका वही अर्थ नहीं था. सो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं. तो देख रहे हैं आप लोग ये ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है और हम इसमें से कुछ सेंटेंसेस लिखने के लिए इन वर्ड्स को मिटा भी सकते हैं. ये आइडिया मुझे और पहले आना चाहिए था. सो हियर वी गो. अब हम यहां पर कुछ सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं. डोंट, डोंट डू दिस, डोंट टच दिस, ऑर्डर के तौर पर. सो डाउन, लुक डाउन, नीचे देखा. अच्छा, देयर इज अ मैन वेटिंग फॉर यू डाउनस्टेयर्स, मतलब यहां पर तुमने डाउन के साथ स्टेयर्स का भी प्रयोग किया है, मतलब कोई आदमी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है और वो सीढ़ियों के नीचे खड़ा है. सो व्हाइल आई वाज फ्लाइंग इन द ट्रेन, आई सॉरी व्हाइल आई वाज फ्लाइंग इन अ प्लेन आई सॉ अनदर प्लेन जस्ट पासिंग डाउन बाय. सो मैंने नीचे से एक एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा. ड्यूरिंग के दौरान, डोंट टॉक ड्यूरिंग द सिनेमा, फिल्म के दौरान आपको बात नहीं करनी चाहिए, मतलब कोई प्रक्रिया है जो चल रही है और आप उसके बारे में बता रहे हैं ड्यूरिंग. सो ईच, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब मैं भी हूं, ये भी है, वो भी है. द गवर्नमेंट हैज प्लान फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. सो इस तरीके से सरकार ने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजना बना रखी है. आइदर, आइदर के साथ हम और का प्रयोग करते हैं. Either or का मतलब समझ जाइए बहुत ज्यादा ध्यान से. Either or का मतलब होता है what would you like to have, either cold or hot, आप क्या लेना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म. I won't take anything, neither hot nor cold, आप क्या लेना, मैं कुछ भी लेना पसंद नहीं करूंगा, ना तो मुझे ठंडा चाहिए ना मुझे गर्म चाहिए, सीधा मुद्दे की बात कराओ भाई. So what would you like to have, either tea or coffee. I won't take anything, neither tea nor coffee. Let's get to the point straight away. सीधे मुद्दे पर आते हैं. सो दैट्स हाउ इट इज. इवन, भी, इवन आई टोल्ड यू दिस, मैंने तुमको यह भी बताया था. आई टोल्ड यू इवन दिस थिंग एज वेल, मैंने तुमको यह चीज भी बहुत अच्छे से बताई थी. सो दे आर इवन विद ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं. इसके दो प्रयोग हम लोग करते हैं. सो एवर, हैव यू एवर कम अक्रॉस अ मैन हु इज ब्लाइंड, क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो देख नहीं सकता. हैव यू एवर थॉट अबाउट योर विलेज, क्या आपने कभी अपने खुद के गांव के बारे में, क्या खूबसूरत सेंटेंस आया है. सो क्या आपने कभी अपने गांव के बारे में सोचा है. एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये तारे जमीन पर नहीं है लेकिन अगर हम कहते हैं शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं, एवरी मतलब प्रत्येक. सो एवर मतलब भी, एक्सेप्ट के अलावा,
आई लाइक एवरीथिंग एक्सेप्ट करेला, मतलब मुझे हर चीज पसंद है बट मुझे करेला पसंद नहीं है। इस चीज को छोड़कर एक्सेप्ट दिस, आपको सारी चीजें पसंद है, आपको फलों में सारी चीजें पसंद है, एक शायद पपीता पसंद नहीं होगा, तो आई लाइक एवरी फ्रूट एक्सेप्ट पपीता। आपको शायद कोई खास किस्म का मसाला डोसा पसंद नहीं होगा, सो यू वुड से आप कह सकते हैं कि आई लव साउथ इंडियन फूड बट आई डोंट लव मसाला डोसा। बट कौन आदमी होगा जो मसाला डोसा पसंद नहीं करेगा यार। सो एक्सेप्ट के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं फॉर, एक यहां चेक कर लीजिए, और एक सेंस, SINCE सेंस। अच्छा, फॉर मतलब होता है के लिए। आई एम सिटिंग हेयर फॉर 4 आवर्स, मैं यहां 4 घंटे से बैठा हूं। अब इसका इसमें क्या अंतर है, और अगर मैं कहता हूं आई एम सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग एक ऐसी चीज है जो दिन भर में एक बार होती है, और फॉर जो है 4 घंटे, मतलब वो 4 घंटे कभी भी हो सकते हैं। इसका मतलब जहां पर टाइम इंडेफिनिट हो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल्स, आई एम डूइंग इट फॉर 4 डेज, आई एम डूइंग इट फॉर 4 इयर्स, आई एम डूइंग इट फॉर 40 इयर्स। लेकिन वहीं पर अगर हम सिंस लगाएंगे तो आई एम डूइंग इट फॉर 4 डेज की जगह पर हम आई एम डूइंग इट सिंस 22nd of June। देखो 4 दिन हो गए। आई एम डूइंग इट सिंस 2017, देखो 3 साल हो गए। सो दैट्स हाउ इट इज। सो इसको और इसको दोनों को हम मिटा सकते हैं। सो आगे देखें, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ो। सो फॉरवर्ड, फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हैं आप, किस जगह से आपका ताल्लुक है। आई एम कमिंग फ्रॉम पटियाला, मैं पटियाले से आ रहा हूं। आई हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू दैट प्लेस, मुझे यहां से होकर के उस जगह तक जाना है। सो फ्रॉम का, ये फ्रॉम का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हैड पास्ट टेंस, हैज का है। आई हैड अ कार, यार मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी। आई हैड अ कार, आई हैड अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा था। सो इसका हम इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। Hadn't you seen this? आपने यह नहीं देखा क्या? I hadn't come across a man who is blind. मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जो अंधा था, जो नहीं देख सकता था, देख नहीं सकता था, लेकिन आज मैं ऐसे इंसान से मिल चुका हूं। I hadn't come across a superman. Superman तो एक ही है। I hadn't come across superman. मैं कभी superman से नहीं मिला था, लेकिन आज मैं मिल लिया। Has का past form है। He has a car. उसके पास गाड़ी है भाई। So hasn't. He hasn't got any sense. उसके पास कोई दिमाग नहीं है। He hasn't given his full commitment. उसने पूरी तन्मयता से काम नहीं किया है। Have. So I have a car. मेरे पास तो गाड़ी है। I have a car. Haven't you seen this? तुमने यह नहीं देखा यार। तो simply has और have ये singular है और ये हमारा प्लूरल है। ये दोनों प्लूरल है और मतलब इन दोनों का यही है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये दोनों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सो ही प्रोनाउन, अब यहां से हम शुरू करते हैं। ही, वह, ही हैज, देख लीजिए, ही हैड। सो चेक दिस आउट, ही विल हैव। सो जब टेंस करेंगे, टाइम एंड टेंस, तीसरा पार्ट जो इसका है टाइम टेंस, पहला पार्ट आज हम लोग कर रहे हैं, दूसरा पार्ट हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर करेंगे और तीसरा पार्ट हम लोग टाइम एंड टेंस पर करेंगे। ये 3 टॉपिक्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको यह करना ही करना है, यदि आप ये कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आसान होना एक बात है यार, नॉलेज मिल रही है, कुछ तो करना ही है, तो चलो कर डालते हैं। सो ही हर, उसका, उस लड़की का, अगेन अनदर प्रोनाउन, हेयर, यहां, कम हेयर, लेट्स सिट हेयर, चलो यहां बैठते हैं, आ जाओ इधर। हर्स, दिस इज हर्स, यह उसका है। हर्सेल्फ, शी हैज कंप्लीटेड हर स्टडीज हर्सेल्फ, उसने अपनी पढ़ाई खुद ही पूरी करी है। हिम, गिव इट टू हिम, यह उसे दे दो। हिम, बस इसे ज्यादा और कुछ यूज नहीं कर सकते। Himself, he did it himself. उसने यह अपने आप किया है। His, so this is his car. यह उसकी गाड़ी है। So how did he do this? How can you say this? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? So however, हालांकि, India is the seventh largest country of the world. However, India is the
अब इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं, इंडिया इज इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज द यूनिक मॉनसून सीजन, सो हाउएवर के बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं। हाउएवर इज अ कंजंक्शन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यूज कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव, आप इसमें आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है इस तरीके से जिसका मतलब हम जानते भी होते हैं पर उसका एक बार हम यूज नहीं कर पाते हैं। सो तीसरा तीनों के ग्रुप में है, आई मैं अकेला, आई अकेला आया था, आई अकेला जाएगा, ये आई मेरे लिए मैं हूं, आपके लिए आई आपका खुद, आप खुद हो। इफ इफ आई डू दिस आई विल सक्सीड, यदि मैं यह करता हूं, इफ का मतलब यदि, यदि मैं यह करता हूं तो मुझे सफलता मिलेगी। इन आई एम गोइंग इन द गार्डन, मैं बगीचे के अंदर जा रहा हूं। सो इन साइड के भीतर, व्हाट्स इन साइड द पैकेट, इस पैकेट के अंदर में क्या है, व्हाट हैव यू पुट इन साइड, तुमने इसके भीतर क्या रखा है, इन साइड, इन साइड के बाद इन स्पाइट और इंस्टेड, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग जरा ध्यान से समझ लीजिए। अगर मैं कहता हूं इन स्पाइट, इन स्पाइट और इंस्टेड, इंस्टेंट का मतलब होता है को इंस्पाइट, इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब को छोड़कर, आई एम चूजिंग व्हाइट इंस्टेंट ऑफ ब्लैक, मैं व्हाइट को, मैं ब्लैक को छोड़कर के व्हाइट चूज कर रहा हूं। I am looking at the mirror instead of the garden. मैं garden की ओर नहीं देख रहा हूं, उसके बदले में मैं देख रहा हूं mirror की ओर. So instead का मतलब को छोड़कर, एक को छोड़कर मैं दूसरे को देख रहा हूं। In spite के बावजूद, in spite of reprimanding, the students are still playing in the garden. बावजूद इसके कि मैंने बच्चों को डांटा, उसके बाद भी वो अभी भी garden में ही खेल रहे हैं। Very important. अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया, रिवाइंड करके देखिए, इसको ध्यान से देखिए, समझ करके देखिए, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों वर्ड्स कई बार हम यूज करते हैं और ऐसे वर्ड्स को यूज करके हम अपने सेंटेंसेस को, आंसर्स को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो इन स्पाइट, इंस्टेड, इन टू, आई मूव्ड इन टू द केबिन, मैं केबिन के अंदर गया, द वॉटर इज पोर्ड इन टू द ग्लास, मैं पानी ग्लास के अंदर के भीतर डाला गया, कोई चीज किसी चीज के भीतर जा रहा है। गो, डोंट गो इनटू द गार्डन, गार्डन के भीतर मत जाओ। इज है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, जिसके साथ मैं ऐसा बोलता हूं एक बार मेरे साथ जरूर बोलिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सो ये वही है, ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है, यू आर अ बैड मैन, तुम एक बुरे आदमी हो। सो देखिए, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं ताकि आप इन सब चीजों को आपस में कंपेयर कर सकें। सो इट, यह, अच्छा इधर तो छूट गया, नेगेटिव, ही इज अ गुड मैन, बहुत बेकार आदमी है यार। इट, इट इज अ फाइन डे, इट वाज समर्स, यह आज कितना अच्छा दिन है, यह गर्मियां थी, क्या गर्मियां थी। सो लुक एट इट, देखो यह, देखो इस इट का मतलब यह, आदमी को छोड़कर के दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी इट है। सो अगर आप उसके लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, इट, इट्स, अच्छा ये दोनों के बीच में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इट्स का मतलब होता है इसका और इसका मतलब होता है इट इज, इसका, व्हाट्स इट्स नेम, मेरे पास एक डॉग है, व्हाट इज इट्स नेम, सो व्हाट इज इट्स नेम, व्हाट्स इट्स नेम, नाम क्या है उसका, उसका नाम होती है, सो इट्स, इटसेल्फ, it did it itself, मैं उसे कोई चीज सिखाता हूं और वो खेल खेल में वो चीज सीख जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि he did it itself. Justant, so just और justant, ये miss हो गया था इसलिए मैंने यहां पर दोबारा लिख दिया, just, अच्छा लोग क्या कहते हैं, just का मतलब होता है just पहुंच रहे हैं, अरे कहां भाई, फोन किया किसी को, अगला इंसान कहता है अरे just पहुंच रहे, just पहुंच रहे, लगभग पहुंच रहे, what do you mean भाई, आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं, बस बहुत ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट देयर, लाइक जस्ट देयर थोड़ी ना बोल सकते हैं, जस्ट का मतलब है हल्का, हम इसका जो यूज करते हैं वो गलत है,
मतलब जो लोग सही करते हैं उसका वो मैसेज जरा मुझे भी करेक्ट करते हैं अगर सही है तो. सो जस्ट एड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इनटू द करी. अब देखिए हम कैसा इस्तेमाल करते हैं, जस्ट आ रहे हैं, अरे भैया जस्ट एड सम सॉल्ट, जस्ट डू इट, जस्ट एनफ, बस. सो जस्ट का मतलब होता है लगभग. बहुत ध्यान से इस बात को देखने की जरूरत है. नेक्स्ट जस्ट इन, इसका ठीक नेगेटिव, जस्ट इन, इट वाज जस्ट नॉट एनफ, बहुत दे ट्राइड हार्ड बट इट वाज जस्ट नॉट एनफ, जस्ट एंड एनफ. सो इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. लीस्ट, लीस्ट यू कुड डू इज कुक सम फूड. मतलब कोई आदमी किसी से कह रहा हो कि कम से कम तुम इतना कम से कम जो काम कर सकते हो वो क्या है कि तुम खाना बना सकते हो. लीस्ट यू कुड डू इज स्लीप, कम से कम तुम सो तो सकते ही हो. सो लेस, ही इज सेवन लेस देन, या कहा जाए इट इज सेवन लेस देन 12. सो ज्यादातर हम लोग ये काउंटिंग के लिए यूज करते हैं. लेसर का भी हम लोग प्रयोग करते हैं. मैं यहां पर वर्ड लिख देता हूं लेसर. सो ये कंपैरिजन के लिए हम यूज कर सकते हैं. लेसर का मतलब से कम, ही इट इज लेसर देन दैट. सो कंपैरिजन अगेन, सो ये भी हम लोग मिटा देते हैं और ज्यादा स्पेस हो जाएगा लिखने के लिए. सो मूविंग फॉरवर्ड वी स्टिल हैव फोर ऑफ देम. ध्यान दीजिए, पेशेंस, बस अगर कहीं जाने का मन है तो पॉज करके आकर के 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन एक बार में एक चीज को खत्म करने का है. आप लोग जाके पॉज कर दो यार, चलो देखें आगे, लौटने के बाद जो हम लोग देखेंगे. सो लाइक, इट इज लाइक दैट, यह ऐसा है. मतलब आप दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटी बता रहे हैं. सो इट इज जस्ट लाइक दैट. सो मेनी, अनेक, देर आर मेनी पीपल इन द, सॉरी देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द, इन द हॉल. हॉल, हॉल के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. देर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन, पूरे के पूरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं. मे आई डू दिस फॉर यू, क्या ये मैं आपके लिए कर सकता हूं. हाउ मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन सर, आई मे कम, हाउ मे आई कम, हाउ मे यू नेवर डू दिस. तुम ऐसा कैसे नहीं कर सकते हो. यू कुड नॉट, यू कुड नेवर मिस दिस इन योर ड्रीम्स, हाउ मे यू मिस दिस. सो मे, आई मे नॉट कम, मैं शायद नहीं आऊंगा. सो मी, हाउ अबाउट मी, मेरे लिए मतलब मेरे बारे में क्या विचार है. ही हैज गिवन इट टू मी, उसने मुझे, ही हैज गिवन मी द बुक, उसने मुझे वह किताब दे दी है. माइट, शायद, आई माइट गो टू द पार्टी टुमारो, कल शायद मैं पार्टी में जाऊंगा जरूर. ही माइट कम एज वेल, वह भी शायद आएगा. आई माइट सी हिम, वह भी मैं भी उसे देखूंगा. शी माइट सी मी, वह भी मुझे देखेगी. चेक दिस आउट. सो माइट एंड आई माइट नॉट गो टू द मार्केट, कल मैं शायद मार्केट नहीं जाऊंगा. He might not come to the market as well. क्या वो भी मार्केट नहीं आएगा. Mine, this book is mine. ये किताब मेरी है, मुझे दे दो वापस. This book is mine. More, more or less, he is a fine man. मिला जुला करके वो एक अच्छा आदमी है. तो मैंने ऐसे बताया more. He is, it is 7 more than 8. अगर आप लोग x के बारे में लिखते हैं तो जैसे x plus 7 is equal to 15. आप ऐसे लिख सकते हैं. So it is 8 more than, so 7 plus 8 more, it is equal to 15. आप ऐसे बोल सकते हैं. सो मोर, एक के साथ दूसरे की तुलना बताते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर गुड स्टूडेंट्स. देर आर 90 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, एंड मोस्ट ऑफ देम आर द गुड स्टूडेंट्स. सो मस्ट, सॉरी मच, हाउ मच इज दिस थिंग, इस चीज, हाउ मच डज इट कॉस्ट, या इस चीज का कितना दाम है. हाउ मच हैव यू इन्वेस्टेड, आपने कितना पैसा डाला है. Once again, आप किसी चीज के बारे में फिगर ले रहे हैं. मस्ट, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए और उनका, उनकी आज्ञा भी माननी चाहिए. यू मस्ट सी दिस, तुम्हें जरूर देखना चाहिए. मस्टंट, यू मस्ट नॉट डू दिस, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. यू मस्टंट सी दिस, तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए. यू मस्टंट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए. माई दिस, my name is Kabir, my home is in Delhi.